वालेकुम, मैं आरिश खान भोपाल एमपी से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ऑल इंडिया गॉड फॉर्म। मैं हूं अभी भोपाल से 13 किलोमीटर दूर जावेद भाई के साथ। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। जावेद अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई जी, भाई अपन भोपाल से कितने किलोमीटर दूर है अभी? भाई अपन भोपाल से सीओ रोड पे सिर्फ 13 किलोमीटर दूर कोलूखेड़ी पे। कोलूखेड़ी जी जी। माशाल्लाह आपका फार्म कोलूखेड़ी पे है। जी जी, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बग रहे हैं भाई आपके। और आपका फार्म का नाम क्या जावेद भाई? दिलीशा फार्म्स। दिलीशा फार्म्स, दिलीशा गोल्ड फार्म्स। अच्छा, इस फार्म का भाई मतलब नाम रखने का रीज़न? ये मेरी भतीजी का नाम है। अच्छा, आपकी भतीजी का नाम है। जी जी। तो आपने उसी के नाम से फार्म का नाम रख दिया? एक्चुअली मैं जब वो पैदा हुई थी जब ही जमीन ली थी तो जी जी के नाम से हमने फार्म रखा। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और भाई कितने बकरों का शौक कराना है आप? साहब इस बार तो मैंने 4 बकरे बनाए थे, एक अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के लिए रखा हुआ है। जी जी दिखाऊंगा नहीं जी। बाकी 3 बकरे हैं मेरे पास जी, एक कोटा है जी और 2 मालवा है। 2 मालवा है जी। माशाल्लाह आप कब से शौक कर रहे हैं भाई? साहब शौक तो मैंने पिछले साल से शुरू करा लोगों को देखते हुए। अच्छा, पोल्ट्री से अच्छा पोल्ट्री का काम है जी जी, मुर्गों में काम करता हूँ। पिछली बार मैंने देखा था लोग बकरे बना रहे हैं लेकिन भराई में बना रहे हैं। भराई में बना तो रहे हैं। मैंने सेल्फ फीडिंग का जो काम शुरू करा था जी, तो इंशाल्लाह वो नायाब चीज़ दिखाऊंगा। नहीं माशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत नायाब है जी जी। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बकरे हैं आपके, बड़े बकरे जी जी। और भाई ये आपने मतलब बकरे कहाँ से परचेस किए थे आपने? साहब ये 2 बकरे तो मेरे पास खुद की पैदाइश है यहाँ जी जी, एक कोटा से लेकर घर की ऑमब्रिड है 2 बकरे आपके जो, और एक कोटा से मंगाए थे लेकर आया था 2 महीने पहले जी। 60 किलो पर 2 महीने जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और भाई आप मतलब आपके फीमेलों का भी काम है या आप शौक के लिए रखें या सेल भी करते हैं? मैंने शौक करा है इस साल जी, और अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिला इस जी इंशाल्लाह ताला अगले साल भोपाल के अंदर नायक इंशाल्लाह जी आपको दिलीशा फार्म से ही देखने को मिले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। हम भी चाहते हैं भाई मतलब अपने फार्म से ही लोग बाग खरीदें जी भाई। जी जी भाई, इसकी डिटेल्स बताएंगे आप? डिटेल्स के लिए मेरे भाई, मेरा छोटा भाई है अनस जी जी, उसको मैंने पूरा हिसाब किताब दिया हुआ है यहाँ का जी, वही सब समझता है। मेरा तो काम ये है कि मैं आकर देखता हूँ, देखते हैं साफ सुथरे जी जी, शेड साफ है जी। अनस मियां बाकी का पूरा काम कर, अनस भाई पूरा काम करते हैं। आप पीछे देखेंगे तो मेरे छोटे बच्चों का खाड़ू आया है जी। जी जी भाई, आ गए आपके छोटे बच्चों का खाड़ू, एक बार दिखा देते जी जी। जी जी माशाल्लाह, आपके पास फीमेल भी है भाई? फीमेल कौन सी नस्ल के आपके पास? मेरे पास कोटा भी है, मालवा भी है, बरबरी भी है, सिरोही भी है, सब है जी। माशाल्लाह सब चीज़ों का शौक है आपको जी, जी। चलिए अनस भाई, आप इसकी डिटेल्स बता दी आके। अनस भाई मेरे छोटे भाई जी, आपको जी जी। वालेकुम असलम भाई। अनस भाई, अनस भाई इस बकरे भाई वाइट वाले बकरे से अपन शुरू करते हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेगी अनस भाई? भाई इसकी 39-40 करीब हाइट है इसकी। 39-40 इंच हाइट है बकरे की जी। माशाल्लाह अपना 100 से ऊपर वेट है। आपने चेक किया हुआ वेट अनस भाई? भाई वेट चेक किया हुआ है। माशाल्लाह देखिए भाई इसकी झालर जी जी भाई, माशाल्लाह गले की लटक तो काफ़ी बड़ी है। आप गले की लटक छोड़ेंगे एक दिन अनस भाई? कम सेल फिटिंग में देखने को मिलेगी आपको भाई। देखिए खड़े होने का जी जी, झालर गर्मी नहीं। माशाल्लाह सींग तो भाई बलदार सींग लेके आया जो कोटा में प्रॉपर आते हैं जी भाई। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे सींग का बकरा है ये जी भाई। कानों की लेंथ कितनी होगी अनस भाई इस बकरे की? 13 इंच के कान है। आपने नापे हुए कान जी भाई? भाई दांत कितने है बकरा आपका? भाई 6 इंच से भाई। 6 दांत करें बकरे ने अभी फ्रेश जी भाई। माशाल्लाह झालर मालर बहुत उम्दा है बकरे की भाई, जी भाई। वो सींग दिखाइए आप एकदम भाई, चेहरा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है भाई बकरे का। गले की लटक छोड़िए अनस भाई आप, गले की लटक भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी लटक है, मतलब 4 वाली सी लटक है। छोड़िए भाई बकरे को आप, मेंटल बकरा अनस भाई। अरे भाई बहुत मेंटल भाई, मतलब हमेशा ऐसा गर्म रहता है, ये आज कर रहा है भाई। ये बचपने से ही अनस भाई आप क्या खिलाते हैं इस बकरे को? भाई ये अपना चना मक्का गेहूं बाजरा हर चीज़ खाता भाई, हर चीज़ खा लेता भाई। हाँ सेल फीड का बकरा भाई, हर चीज़ खा लेता। पत्ते में क्या दे रहा अनस भाई उसको? भाई इसको बड़की पत्ती जी, बड़की पत्ती गुलर की पत्ती दे रहा है आप। और भाई एक्स्ट्रा डाइट जो देते हैं वो कुछ दे रहा है अभी ऐसे ही चल रहा है? भाई ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। नहीं माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बकरा है भाई, एक तरह घुमा के दिखाओ ना बकरे को, मतलब कंटिन्यू मार रहा है अनस भाई, कंटिन्यू मार रहा है बकरा आपको जी भाई। काफ़ी अच्छा बकरा है माशाल्लाह। आप झाँझा जा रहे हो, बकरा मार रहा है, अटैक कर रहा है आपको मारने के लिए। अनस भी घुमाइए ना एक गणेश के इधर। अनस भाई इस बकरे का प्राइस बताएंगे आप? भाई इसका प्राइस जो भी रहेगा पर्सनल में रहेगा, कुछ हाई प्राइस तो नहीं है भाई इसका? नहीं भाई हाई प्राइस नहीं है भाई,
भोपाल में सबसे कम रेंज में जी 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 भाई, चाहता हूँ कि कोई शौकीन आदमी जी जी जो हमारी तरह शौकीन जी वो ऐसे रहे घर में कुर्बानी करे जी जी, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। और इसकी जो ब्रीड है मेरे पास जी, आपने होम ब्रीड ब्रीड भी ले चुके हैं साहब, ब्रीड है मेरे पास जी, इंशाल्लाह मैं लिखाता हूँ आपको अभी जी जी, और उसका सिक्का भी देखिए जी 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 भाई, सिक्का भी इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। नहीं माशाल्लाह चेहरे का रुआब बहुत प्यारा है भाई, बकरे का बहुत गर्म बकरा मेरे भाई जी जी भाई, मतलब बकरियों को मार मतलब कोई बकरा आता तो मारता होगा बहुत खराब भाई, बहुत वो जैसे कोई एक साल पाले इसको नेक्स्ट ईयर के लिए तो पाल सकता है बकरे को, कितनी गुंजाइश है बकरे में भाई, अभी बहुत गुंजाइश है सर, 6 लाख का हुआ कोटा तो 8 लाख तक जाता है, अभी बकरा खाली भी है जी जी, बहुत खाली है फुल लूज पड़ा हुआ बकरा माशाल्लाह, लूज पड़ा हुआ है, और अभी तो मतलब माशाल्लाह एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट भी नहीं चला बकरे के ऊपर, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं है, हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा है नहीं कि जी कोई उनको सप्लीमेंट देके बस चला जी, अभी आपके सामने हम पत्ती डालेंगे पत्ती उठा लेगा, चना डालेंगे चना उठा लेगा, सेल्फ फीडिंग सेल्फ फीडिंग पे प्योर बकरा माशाल्लाह, हफ्ते में एक बार नलाई धुलाई होती है जी, उस हिसाब से फिर माशाल्लाह तैयार करते हैं जी, ये है हमारे छोटे भाई, इन्होंने और ज़्यादा गर्म कर दिया अनस भाई ने मार छेड़े कर करके, और इनकी मोहब्बत की है वो जी जी, अनस भाई कुछ कर भी नहीं, अनस भाई पास आएंगे उसके तो कुछ नहीं करेगा ना, मैं तो पास चले जाऊंगा तो बाहर छोड़ देगा अनस भाई देखा वाली करते हैं ना उसके चक्कर में, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बकरा है जी, ठीक है अनस भाई अपन दूसरे बकरों पे आ जाते हैं भाई।